रो भैया की हिम्मत कितनी तगड़ी है, दो दो सिलेंडर वो भी पीठ पे लेके जा रहे हैं। हम महंगे कंधे खाली हाथ में, हमारी हालत खराब हो रही और यहाँ पे दो दो सिलेंडर। भाई साहब, एक एम्प्टी वाटरफॉल का फ्रंट का व्यू, ओ माय गॉड गाइस, दो दो वाटरफॉल है, एक इधर से और एक उधर से। भाई साहब, भाई मार्केट बहुत अच्छा है, ये तो बात माननी पड़ेगी। देखो यहाँ पे गर्म कपड़े, ये क्या है, ये क्या है, टॉफी, अच्छा बच्चों के लिए टॉफी। गाइज वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग, और मैं लेके आ चुका हूँ एक और न्यू मसूरी व्लॉग गाइज। और गाइज अभी हम जा रहे हैं दलाई हिल्स और उसके बाद जाएं केम्प्टी फॉल, ठीक है। तो अभी पास में केम्प्टी फॉल तो गाइज दूर है, केम्प्टी फॉल है अराउंड 20-21 किलोमीटर और दलाई हिल्स है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ एग्जैक्ट यहाँ से 10 किलोमीटर। तो पहले दलाई हिल्स जाएंगे फिर तो उसके बाद जाएंगे केम्प्टी फॉल, तो दोनों इस व्लॉग में कवर कर लेंगे, ठीक है। बाकी मैं इसलिए यहाँ से व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से पूरी वैली का एक बेहतरीन व्यू आ रहा है, एक बेहतरीन दृश्य आ रहा है, तो आपको एक दिखाते हैं। एंड बाकी भाई ठंडी मौसम अभी हो रहा है, धूप भले ही बहुत तेज हो रही है पर टेम्परेचर अभी भी 2-3 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, टेम्परेचर बहुत ही कम है। गाइस ये देखो वहाँ पे कितना प्यारा व्यू आ रहा है, उधर से आए गाइस हम, वहीं पे भट्टा फॉल्स वगैरह सब थे ना, तो हम उधर से आ रहे हैं पीछे से। और बाकी ये लोंडे यहाँ पे गूगल मैप कर रहे हैं कि हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं, और इनकी हालत खराब हो रही है भाई हाइट को देख के, क्योंकि पहली बार ये माउंटेन्स में आ रहे ना। भैया शकल दिखाओ, शकल दिखाओ, शकल में 12 बज रहे समझ गए, नहीं पर आपकी शकल में ज्यादा ही बज रहे। सामने पहाड़ देखो यार, भाई इससे बेहतरीन चीजें नहीं हो सकती गाइस, नहीं हो सकती। आप आइए गाइस कभी तो मसूरी में आइए, पहाड़ों की रानी भाई, ऐसे ही नहीं कहा जाता, इसीलिए कहा जाता गाइस, देख लो सुंदरता यहाँ की। पेट्रोल खत्म हो गया था क्योंकि भाई इतना ट्रैवल कर लिया सुबह से, और अभी बच चुके हैं दोपहर के 1:30, और बस हम पेट्रोल फिल करा लिया दोबारा से, 400 रुपए के ऊपर हो गया। और गाइस देखो दिखाता हूँ यहाँ पे ना यूनिवर्सिटी में बहुत तगड़ा, यहाँ पे वो चल रहा है आंदोलन, यहाँ पे म्युनिसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है कोई मसूरी का, और वहाँ पे देखो नारे लग रहे जबरदस्त करके, तो आपको थोड़ा बहुत दिखाता हूँ वहाँ पे पुलिस कितनी आई हुई है। भाई इतना आपको ये मसूरी देखने में नया लग रहा है, इतना ही हमें लग रहा है, हमारे लिए भाई कोई ऐसा नहीं कि हम सब जानते हैं भाई, कुछ नहीं जानते, बट ये कि थोड़ा बोलते जान पहचान करते हुए पूछते पाछते गूगल मैप के थ्रू, तो हम पहुंच जा रहे हैं हर जगह पे। अभी हम केम्प्टी फॉल जा रहे हैं, बाकी अभी पेट्रोल फिल करा लिया बढ़िया करके और बस फिर चल जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है ना गाइस, पेट्रोल ना होना भाई दिमाग खराब हो जाए, पूरा ऊपर चढ़ना पड़ रहा है, वैंग लोड मान रही स्कूटी भाई, सही उतारा। ओ हो 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 वादियों में टकरा गए हैं हमसे मुसाफिर यूं तो कहीं, भाई ये वादियाँ ही हैं सही बता रहा हूँ। अभी 1:30 बज रहे हैं और बस अब मस्त भूख लग रही थी तो आलू के पराठे दोबारा से, और यहाँ पे हम स्लाइस पी रहा हूँ मैं अच्छे तरीके से, मैं तो स्लाइस पी रहा हूँ, उधर उधर चाय पियेंगे, खाना वाना तो हो गया बढ़िया करके, और बस अब स्कूटी उठाते हैं और चलते हैं ऊपर की साइड और 3-4 जगह बढ़िया करके घूम जाते हैं, ठीक है चलिए। हम दोनों लौंडे रहकर यहाँ पे मस्त रास्ते का मजा लेते चल रहे, और भाई अभी 9 किलोमीटर राउंड रहेगा केम्प्टी फॉल, भाई बिल्कुल नीचे जाके भाई वो भट्टा, वो भट्टा वाटरफॉल था ना उससे भी ज्यादा नीचे पे है। ओ भाई साहब सामने मस्त व्यू का एंजॉय करते जा रहे हैं, केम्प्टी फॉल मात्र 3 किलोमीटर दूर रह गया, और भाई यहाँ ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ना यहाँ पे है फोटोग्राफी का पूरा इंस्टीट्यूट, क्योंकि यहाँ पे भाई बहुत बढ़िया बढ़िया व्यू आता है ना, तो इसलिए यहाँ पे फोटोग्राफी का इंस्टीट्यूट बना रखा, और यहाँ से आप फोटोग्राफी करो भाई प्यारी प्यारी करके, भाई पीछे देख सकते हो व्यू, आहा हा, और हवाएं भाई इतनी प्यारी चल रही है ना, दुखो दिखाता हूँ पीछे का ये देखो, ओए ओए और गाइस देखो आने वाली में फूल जब इतनी उड़ रही है, तो गाइस ये मजा है भाई, ठंडी ठंडी हवाएं ऐसी चल रही है भाई, धूप भले ही हो रही है, मैं कह रहा अगर धूप गलती से भी चली गई ना तो माइनस में पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी, और भाई साहब मतलब इतनी ऊंचे हाइट पे खड़े ना बर्फ तरीके से, बस अभी 4 किलोमीटर हो रहे हैं, 4 किलोमीटर के बाद गाइस मस्ती मस्ती क्योंकि हम पहुंचने वाले हैं केम्प्टी फॉल, और गाइस उसके बाद भी हमें बहुत जगह घूमना होगा, और बस आप बने रहिए और ब्लॉग को देखते रहिए, और आगे वाले सारे ब्लॉग को भाई प्यार देना बस ब्लॉग को, क्योंकि हम घूमते रहेंगे गाइस डोंट वरी, और अपनी तरफ से पूरी हिम्मत करके सारे ब्लॉग बना रहे हैं, और गाइस इसके पीछे बहुत मेहनत है, बहुत हार्ड वर्क है। ये देखो पूरा केम्प्टी फॉल का व्यू, ओ माय गॉड, और ऊपर देखो वो रहा वाटरफॉल केम्प्टी फॉल जिसे आप बोलते हो, भाई कोहरा आ रहा है ना तो इसलिए थोड़ा पता नहीं चल रहा है यहाँ पे हल्का हल्का, ये देखो पूरा व्यू का मजा ले सकते हो और नज़ारे का, नीचे देखो शायद वहाँ बोटिंग वोटिंग होती है गाइस,
वहाँ पे भी अच्छे तरीके से हमने पार्किंग वार्किंग में सेट कर दिया अपनी स्कूटी को और बस अब नीचे सीधा जा रहे हैं। क्या एम्प्टी वाटरफॉल है यार, मैं भूल गया दिमाग से, इतना सब कुछ चला दिमाग में भाई, मैं भूल गया इतना फेमस वाटरफॉल, भूल गया बच्चे का ध्यान कहीं और है इसलिए भूल गया। देख रहे हो गाइस, खुद भयंकर बंदर बन के घूम रहे हो भाई, हैं मेरे को बात बना रहे गाइस। ठंड इतनी हो रही भयंकर, कुछ नहीं कर सकते गाइस, ठंड में ऐसे जाना पड़ रहा, और सोचो वाटरफॉल जा रहे तब ऐसे जाना पड़ रहा। यहाँ पे पूरा मार्केट है और ये देखो यहाँ पे सारी पहाड़ी ड्रेसेस है, फोटोशूट वगैरह कराना ना तो ये करा सकते हो। पूरा मार्केट है कैंपटी वाटरफॉल से पहले कुछ मार्केट और ढाबे वगैरह आप सामने देख सकते हो। कैंपटी वाटरफॉल का रास्ता इधर था, हम गलत चले गए थे आगे भाई, इतना छोटा था रास्ता पता भी नहीं चल रहा था, सही बता रहा। तो ये रास्ता है छोटा था कैंपटी वाटरफॉल नीचे जाने का, पूरा मार्केट है भाई यहाँ पे पूरा, ये देखो। चलो भाई जल्दी जल्दी इधर से निकलते हैं, ये तो भाई अपना मार्केट जैसा लग रहा है, ज्वालापुर मार्केट जैसा है ना। और वो देखो लोंडे कितने देर तक चले जा रहे हैं भाई, बहुत बड़ा इनका मार्केट था यहाँ पे। अब बस हम नीचे पहुंच रहे हैं और फिर बस हम टिकट लेते हैं, और टिकट भी लेना पड़ेगा शायद। अरे टिकट किस चीज़ का है? यहाँ पे भी रोप वे है नीचे जाने तक का, अच्छा वहाँ तक जा सकते हैं फिर रोप वे से, मुझे लगा उधर जाने का ऊपर, नहीं नीचे ऊपर से नीचे यहाँ पे जाते हैं। ये बेहतरीन है, ये बढ़िया लग रहा है, वाओ ये बिल्ली भाई, मार्केट बहुत अच्छा है ये तो बात माननी पड़ेगी। देखो यहाँ पे गर्म कपड़े, ये क्या है, ये क्या है, टॉफी, अच्छा बच्चों के लिए टॉफी, अरे यार ये बढ़िया लग रही है, बच्चों के लिए अलग अलग तरह की टॉफियाँ, वाह ब्यूटीफुल। ये देखो क्लॉक्स, क्लॉक्स क्लॉक्स तो मार्केट है भाई, और आग सेकी जा रही है भाई, ठंडी हो रही है ना बढ़िया इसलिए। चलो 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 चलो, चलो। पूरे मार्केट में क्लॉक्स ज्यादा दिख रही है ना, हालत टाइट हो गई बढ़िया करके, मेरी तो ज्यादा हो गई भाई। यहाँ से वापिस माल रोड जाते हुए ना पता कितना है, कम से कम 24 किलोमीटर का राउंड है, सोच लो मुझे चलानी होगी स्कूटी, और अभी चढ़ाई पे तो टोटली इंसेन है, और अभी 3 बज रहे हैं, तो जितना जल्दी हो सके हम यहाँ पे 45-50 मिनट्स के अराउंड रुकेंगे और जल्दी से एंजॉय करेंगे, है ना, सही है ना। यस यस, पहुंच चुके हैं हम कैंपटी वाटरफॉल, इसके लिए दुनिया मरती है भाई कि हाँ भाई इधर आना है, आना है। ये देखो ये लो भाई, ये है आपका कैंपटी वाटरफॉल भाई, दो दो धाराएं हैं वहीं का कैंपटी वाटरफॉल की भाई, पानी लिटरली बताओ तो गंदा लग रहा है ना, लेकिन मजा आ रहा है भाई, पर ठंडी ठंडी हवाएं बढ़िया है, आहा ओहो गाइस इतनी ठंडी में भयंकर, वो देखो लोंडे भाई, वो अलग ही भयंकर खेल रहे वहां पे, सीन कर रहे हैं। ओ भाई गाइस इतनी सर्दी में भयंकर, अपने का मसीनी है पूरा, और ठंडी ठंडी हवाएं ऐसी ऐसी आ रही ना, और धार पानी की फुहारे इतने बढ़िया आ रहे, बहुत ही बढ़िया, ब्लर होता जा रहा है देखो कैमरा, बट नीचे पानी यहाँ पे बहुत गंदा है भाई, यहाँ पे तो नहाने लायक है नहीं, जिसे नहाना हो बिल्कुल वहीं पे जाए, वहां से नहा सकता है बढ़िया करके। मन कर रहा है नहाले, बट भयंकर हमें बताया कि नहा लिया ना एक बार तो भाई उठ नहीं पानेगा, मैं वापिस यहीं से ही भाई अंकित सर लेके जाएंगे, सीधी विवाद है तो मैं नहा नहीं सकता भाई, सॉरी टू से। ये दुनिया पर आई है बस एक तुम ही हो साहब, यार ये है भाई ब्यूटी, नेचर की ब्यूटी गाइस, जिसे आप कभी भी नहीं ऐसे बना सकते। कैंपटी वाटरफॉल के सामने अगर मैगी का मजा ना लिया जाए तो भाई सब कुछ बेकार है। तो गाइस गर्मा गर्म हमने मैगी रेडी करवा ली अपने लिए, और मस्त तरीके से गर्मा गर्म मैगी खाते हैं और इस सुंदर दृश्य का मजा लेते हैं, ठीक है। चलिए गाइस, ओ भाई तो उतार दे जल्दी, गर्म हो रही बहुत ज्यादा। ओ भाई देख रहे हो गाइस, हैंकी में ली थी मैंने, सोच रहे हो, और कॉफी ले ली इसके साथ में, बहुत बढ़िया भाई साहब। जिम करने वाले लोंडे की ऐसी हालत है कि हर बार दो दो थोड़ी थोड़ी दी जाना पे बैठते जा रहे चेयर्स पे, मैंने कहा भाई जिम पूरे दिन तुम करते हो और हमें भयंकर कहते हो कि तुम चल नहीं पाते, भाई मैं इतना चलने को तैयार हूँ, मैं 20 किलोमीटर चला दूँ, भले सांस फूल रही है बट चल सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, और स्कूटी भी चलानी तुम तो पीछे बैठोगे, चलो जल्दी खड़े हो। भैया की हिम्मत कितनी तगड़ी है, दो दो सिलेंडर वो भी पीठ पे लेके जा रहे हैं, हम महंगे कंधे खाली हाथ में हमारी हालत खराब हो जाएगी, और यहाँ पे दो दो सिलेंडर भाई साहब, ओपी नेक्स्ट लेवल भाई, भाई हार्ड वर्क है इसे बोलते हैं हार्ड वर्क। देख रहे भाई दो सिलेंडर भाई हिम्मत होती है। कैंपटी फॉल से तो निकल चुके हैं, अब जोर जैवरेज जाना है, और क्योंकि अभी 4 बजे और 5 बजे तक जोर जैवरेज लगाना ही लगाना है, ठीक है, तो अब बस मैं 1 घंटा अच्छे से ट्रेवल करूंगा और जोर जैवरेज से मिलते हैं, ठीक है जल्दी से, क्योंकि अब बहुत कम टाइम रह गया गाइस और अंधेरा भी होने वाला है।